I touch I feel I feel the world around so real Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Nahmaduhu wa rahmatullahi. Na nusalli ala rasulihil al karim Amma ba'd A'udhu billahi ash-shaitani shaitanir rajim Allatheena yaquluna Rabbana inna amanna faghfir lana zunubana wa qina adhaban nar असाबरीन الله ان वलमनफ़िन वलमस्तफ़रीन बिलसार शहीद इस आयत के ऊपर हम पिछले तीन सबक ले रहे हैं और मोमिनों की उन सिफात का डिस्कशन कर रहे हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे पर्सनैलिटी में बहुत ही निखार ले आ सकता है और अल्लाह को हमसे राज़ी करा सकता है पिछले दफ़ा हमने सबिर सद कानतीन और मुनफिकीन चार किस्म के लोगों का डिस्कशन किया इस सबक में हम डिस्कशन करेंगे वलमुस्तगफरीना बिल असहार और शहरी के वक्त अपने गुनाहों की अस्तगफार करना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अल्लाह से शहरी का वक्त और अस्तगफ़ार दो चीज़ों का हम तस्करा करेंगे अस्तगफार किसे कहते हैं तोहबा करना किसे कहते हैं अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो आपको पछतावा अगर हो कि हाय क्या हो गया मुझसे इतना बड़ा गुना यानी छोटा गुना भी अगर हो जाए उसको अगर आप बड़ा गुना समझ कर आप पछताओ तो आपने तोबा की आपने अस्तगफार किया और ये अस्तगार ऐसा है जिससे शैतान आपको रोकता है आप जानते हो किस तरह रोकता है शैतान आपको रोकेगा ये कहकर कि अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है भाई देखो देखो रमज़ान के महीने में आपके गुना वैसे ही माफ हो जाएंगे क्या तोबा करना क्या अस्तकफार करना अरे जल्दी जल्दी नमाज खत्म करो चलो 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 आपको रोकेगा जब हज करने जाओगे ना सारे गुना माफ हो जाएंगे इस तरह से आपको गुनाहों से तौबा करने से अस्तगफार करने से आपको वो रोकता है डिले करा कर डिले करा कर आपको रोकता है एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि वो आपके गुनाह को गुनाह नहीं समझने देता आप उसे गुनाह समझेंगे तो तौबा करेंगे ना तो अस्तकफार करोगे ना लेकिन आप समझेंगे उसमें क्या हो गया सभी लोग करते हैं अब तबाही तो नहीं करते मिसाल के तौर पे गिबत लगी किसी की बुराई करना उसके पीठ पीछे वो बुराई उसमें है लेकिन उसके पीठ पीछे आप तस्करा करेंगे अरे वो तो वैसा है अरे वो तो वैसा है वो बुटका अरे वो काला अरे वो तो पढ़ने में भी डफर है आमतौर पर आप देखोगे दोस्तों के अंदर इस तरह के डिस्कशन बहुत होते हैं उस लड़के के बारे में जो मौजूद नहीं है हाजिर नहीं है यह अगीबत है लेकिन क्या सभी लोग करते हैं ना तो हमारे जबान पे आसानी से आ जाती है ऐसी बातें और हमको एहसास भी नहीं होता कितना बड़ा गुना हो गया यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी नेकियों में से उसको दे देंगे इतनी गिबतें नुक्कड़ों पे खड़े रहकर क्लासेस में रिसेस में कैंपस में कैंटीन में हम दोस्तों की गिहत करते हैं उन बच्चों की गिभत करते हैं जो वहाँ मौजूद नहीं है नतीजा ये होता है क़यामत के दिन ये सब आपकी नकियाँ ले जाएंगे और आप फ़कीर हो जाओगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई फ़कीर है तो आसानी से ये गहबत हो जाती है फिर नतीजा ये होता है कि उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी क़यामत के दिन तो ये गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन क्योंकि मोहल्ले में सोसाइटी में सभी लोग करते हैं इसीलिए हम उसे बुरा नहीं समझते मम्मी भी, भी गिब्भत करती है कभी फूफी की कभी खाला की कभी खालू की डैडी भी गिब्भत करते हैं कभी भाई की कभी ऑफिस में काम करने वालों की मोहल्ले में सभी लोग हिब्बत करते हैं आपा भी करती है भाईजान भी करते हैं पड़ोसी भी करते हैं दोस्त भी करते हैं सभी लोग ग्बत करते हैं तो हम भी गिहत को छोटा गुनाह समझते हैं या गुनाह ही नहीं समझते हैं हम तो शिकायत करते हैं हम तो शिकायत करते हैं ये सोचकर हम अपना लाइसेंस बना लेते हैं लोगों की गिहत खुरी का और क्योंकि समाज में कोई रोकता नहीं कोई टोकता नहीं कोई सिखाता नहीं कि ये सब बुरी चीज़ें हैं उसी वक्त कोई रोकता नहीं तो नतीजा ये हो जाता है कि हम तोहबा नहीं करते गुनाह करते जाते हैं तोबा नहीं होती एक एग्जाम्पल मैंने दिया ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे इम्तिहान में कॉपी करते हैं वो भी गुनाह है लेकिन तौबा कब करते हैं आप किसी फ्रेंड को मार दिया और में झगड़ा हो गया तो आपने उससे माफ़ी नहीं चाहिए तो शैतान आपको अस्तगफार से रोकता है ये दूसरी कैटेगरी है दूसरा तरीका है आपको अस्तगफार से रोकना कि आपको वो गुनाह को गुनाह समझ नहीं, नहीं देगा लड़के लड़की आपस में बात करते हैं दोस्ती करते हैं व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो ना महरम से सेक्लूजन में आर वेरी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत हो इस तरह के आप मैसेजेस भेजते हैं जो हराम है लेकिन आप अस्तगार नहीं पढ़ते हैं। तो गुनाह आपके लिस्ट में रहते हैं और फरिश्ते को हुक्म है पता है आपको अगर आपने गुनाह किया तो वो लिखेगा नहीं इंतज़ार करता है कि आप तौबा कर लो वो गुनाह लिखता नहीं है वो इंतज़ार करता है कि आप अगर तौबा कर लेते तो वो गुनाह नहीं लिखता अल्लाह का ये हुक्म उस पर है लेकिन हम अस्तगफार नहीं करते तो एक कैटेगरी ये भी आ जाती है कि आदमी गुनाह को गुना ही नहीं समझता और गुनाह को गुना ना समझकर वो करते ही जाता है और अल्लाह ताला क्या कहता है वह सारे उगफरतम में रब वह जन्नत वो इतमीन मत्तकी के लिए ऐसी जन्नत है और कौन है वो मत्तकी यहाँ पे किसका तस्करा है वह सारे उला मकफिरतम मगफरत के लिए जल्दबाजी करते हैं प्रोकेस्टिनेशन नहीं करते यानी आप लोग देखते हो कि ये प्रोकेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम दिल की या जहनी बीमारी समझ सकते हो मेंटल सिकनेस कोई भी काम होगा नेक आप उसको टालते हैं नमाज चार बजे साढ़े चार बजे पढ़नी चाहिए लेकिन आधे घंटे के बाद पौने घंटे के बाद मैं घर में पढ़ लूंगा मैं नमाज कजा होने के पाँच मिनट पहले पढ़ लूंगा मैं मगरब के साथ पढ़ लूंगा ये प्रोकेस्टिनेशन है लेकिन नेक कामों के अंदर प्रोकेस्टिनेशन इज नॉट लाइक सारे ऊ सारे ऊ का मतलब क्या मालूम है जल्दबाजी करो डोंट डिले हरी आप यानी मकफिरत मांगने में आप डिले मत करो ये सूर्य इमरान की आयत है जैसे ही आपको गुना याद है आपको एहसास हो गया गुना उसी वक्त आप तो करो उसी वक्त और उसके अलावा जैसे कि वायत मैंने पढ़ी वल फिरी न बिलासहार शहरी के वक्त अस्तक करना ये जरूरी है अस्तक करना यानी यह मत समझो कि आप नमाज पढ़ते होता गुना नहीं होते आपसे ऑटोमेटिकली गुना माफ़ हो गए नो कुछ गुना ऐसे हैं जिसकी माफ़ी अल्लाह से मांगते रहनी चाहिए और साहबा किराम की आदत ये थी कि ये लोग छोटी गलती को भी बहुत बड़ा गुनाह समझते थे आज लोग बड़े गुनाह को भी छोटी गलती समझकर उसे भुलाने की कोशिश करते हैं ब्याज खा रहे हैं जबान पे गालियां हैं माँ बाप के साथ बदतमीज़ी है नमाज़ों में सुस्ती है कुरान से दूर है नाफरमानी की जा रही है माँ बाप की बैक रिप्लाइज दिए जा रहे हैं टीचरों का मजाक उड़ाया जा रहा है बड़ी बहन छोटी बहन पे दादागिरी करती है और छोटा भाई बड़े भाई की तरफ बैक रिप्लाई देता है ये बदतमीजी बैड मैनर्स ये सब गुनाह हैं और इसके आस्तगफार करना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना उसके पहले मौत आ गई तो क्या करेंगे आप जरूरी थोड़ी है कि आप सत्तर अस्सी साल के होंगे खर्च कर लेंगे सारे गुनाहों की तौबा कर लेंगे उसके बाद फरिश्ते आके कहेंगे आप रेडी हो गुनाह की तौबा कर ली चलो अल्लाह के पास ऐसा है मौत ऐसी नहीं आती है फोन आ जाता है अरे अपने क्लास में वो लड़का पढ़ता था ना उसका एक्सीडेंट हो गया मर गया इन्ना लिल्ला। अचानक मौत आ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मौत की खबर भी आ जाए अचानक फरिश्ते आ जाए चलो आप कहें मुझे वजू करने दो नो मैं सॉरी बोल दूँ अल्लाह को आपका वक्त खत्म हो गया फिनिश पैक आप और आप चले जाए एक सेकेंड देर नहीं होती है मौत की एक सेकेंड एक सेकेंड यानी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड भी आपको नहीं रोका जाना आपका पैकअप हो गया तो आपका पैकअप हो गया खत्म हो गया और कबर में जाने के बाद आदमी पछताएगा अल्लाह थोड़ा सा मौका दे दे थोड़ा सदका करके आओ थोड़ी चीज करके आऊ नो अब नहीं हो सकता है तो मालूम यह हुआ अस्तकफार में जल्दबाजी करनी चाहिए यानी जैसे ही ख्याल आ गया कि मेरे से गुना हो गया उसी वक्त अस्तकफार करना चाहिए उसी वक्त यही कभी इंतजार करो मैं अगले साल उमरा जा रहा हूँ ना वहां पे पढ़ूंगा नो और शहरी के वक्त ये बड़ा शानदार वक्त है अपने गुनाहों की तोबा का हालांकि नवाफिल है अल्लाह ने उसको फर्ज नहीं रखा है अस्तक फर फर्ज है माफी मांगना फर्ज है लेकिन शहरी के वक्त इजाजत है अगर आप चाहो अल्लाह से हासिल करना और यह वक्त ऐसा होता है सही हदीसों में आता है अल्लाह ताला पहले आसमान पे नाजिल होता है और अनाउंस करता है कि कोई है जो अपने गुनाहों की माफी चाहता हो हूँ अनाउंसिंग और आपको शौक था लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं मैं तो फजर पढ़ूंगा बस बहुत हो गया तो आपने फजर पढ़ ली ठीक है अलहमद ला शहरी के वक्त क्या फजीलतें आती है ये वही तो वक्त होता है जब नींद बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है पता है क्या इसलिए आमतौर पर जब चोरियाँ होती है ना ये रात को चार बजे होती है रात को बारह बजे नहीं होती है रात को चार बजे जब थक पक के लोग सोते हैं तो चार बजे की नींद बड़ी गहरी होती है उस वक्त अगर आप उठ गए और तहज्द के लिए वजू किया ठंडी है ठंडे पानी से वजू करो मुसल्ला बिछाओ दो रकात दो रकात दो रकात जितनी इस्तकदात है जितनी कैपेसिटी है आप पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे आप देखते रहिए ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आएगी आंसू बहाइए तन्हाई में कोई नहीं देख रहा है सिर्फ आप हैं और अल्लाह है अपने गुनाहों को याद करो छोटे छोटे गुनाहों को याद करो बड़े बड़े गुनाहों को याद करो और अपने लिए माफ़ी मांगो साथ ही साथ अपने माँ बाप की मगफरत के लिए भी आप माफ़ी मांगो क्या मेरे माँ बाप के गुनाह भी माफ़ कर दे अपने जो बुजुर्ग गुजर गए हैं आपके दादा नाना मामू जो अपनी कबरों में चले जा चुके उनका भी नाम लेकर उनके लिए दुआ करो हस्तकफार करो उनके गुनाह की माफी के लिए यानी जितनी माफी आप अल्लाह से मांगोगे उतना आपको महसूस होगा कि आप गुनाहों से नफरत कर हो। जब तक आप गुनाह नहीं करोगे ना तब तक गुनाह से बचना भी मुश्किल है इसलिए कि वो टेम्पटेशन है और टेम्पटेशन का ऑपोजिट क्या है नफरत कोई चीज़ बहुत महबूब है उसकी ऑपोजिट क्या है उस चीज़ से नफरत करना तो जब तक गुनाहों से नफरत नहीं करेंगे आप तब तक गुनाहों से बचना मुश्किल है और बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं बहुत टेंटिंग होते हैं लालच बनकर आते हैं और उससे नफरत करना मुश्किल हो जाता है जीनाकारी फ्वािशात अफेयरसिबत खोरी मुश्किल होती है इससे नफरत करना हाँ शराब से नफरत करेंगे मुसलमान खंजीर से नफरत करेंगे ये खंजीर का गोश्त आराम उससे नफरत कर लेंगे आप लोग आसानी से नफरत करोगे लेकिन कुछ गुना ऐसे हैं जिसके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाता है और इस उम्र में पंद्रह साल सोलह साल अठारह साल तो आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे आप तो अस्तफार करोगे ना तो गुनाहों से नफरत होती है मैंने देखा हूँ कुछ बच्चों को जो लोग किसी वक्त जब हमारे साथ कॉलेज में थे जीन्स टी शर्ट डांस म्यूजिक बर्थडे पार्टीज ऐश आराम गर्ल फ्रेंड्स बॉय ऐसे थे उस पर एक लड़का था वैसे ही था कुछ अरसे के बाद उसने नमाजें पढ़ना शुरू कर दी पाँच वक्त की धीरे 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 तहजद का आदि हो गया और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि वो मुसलमानों के बच्चों को दीन सिखाता है शहरी का वक्त ऐसा होता है और उस लड़के ने शहरी के वक्त पकड़ लिया और तहजद नहीं छोड़ता था तहजद के वक्त नमाज पढ़ना ये बहुत अच्छी आदत है बेहतरीन आदतों में से और अम्बिया की जो आदतें हैं उसमें एक आदत एक खासियत ये है कि वो लोग शहरी के वक्त यानी तहजद के वक्त पुट कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे अम्बिया गुनाह से पाक है फिर भी अस्तगार करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक है फिर भी कहते हैं कि मैं भी सवेरे शाम सौ दफा अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ और कुरान कहता है लकत कहााना लकूम फिर रसूल हसना नबी के अंदर बेहतरीन मिसाल है तुम्हारे लिए तो शहरी की आदत बनाए रखनी चाहिए लेकिन मैं आपको बता दूँ आपको ऑलरेडी शहरी की आदत है पता है क्यों इसलिए कि रमजान का महीना आप शहरी में ही तो उठते थे वही तो तहज्द का वक्त है उसी वक्त तो ऐलान हो रहा है कि कोई है जो अपने गुनाह की माफी चाहे कोई है हम शहरी खा रहे हैं लेकिन आदत तो बन गई ना उठने की अब रमज़ान चला गया शहरी तो दूर की बात है फजर भी मिस हो रही है अस्त फिर अल्लाह तब एक महीना आपका माइंड बना दिया एक रूटीन बना दिया आपका कि आप शहरी पे उठ जाते हो उसके बाद क्या वजह है कि आप गैर रमजान में तहजद के लिए नहीं उठ पा रहे हैं जानते हो क्या वजह है आपकी लेट नाइट्स ये जो हमारी सोसाइटी में लेट नाइट्स की जो आदत पड़ गई है ना मैं भी देखता हूँ ऑफिस में कभी कभी बारह जाते आते आते और जब मैं लास्ट ट्रेन पकड़ता हूँ तो देखता हूँ मुसलमानों की फैमिलीज रात को शादियों में साढ़े बारह एक बजे लास्ट ट्रेन पकड़ते हैं एक बजे आप शादियों से जा रहे हैं एक जाते हैं सोते सोते दो बज जाते हैं सारे के सारे लोग सो जाते हैं कुछ लोग फजर पढ़ लेते हैं यानी रमज़ान के महीने में जो शहरी के वक्त उठ कर अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने की जो तौफीक हुई उसको आपने रमज़ान के बाद लेट नाइट्स की वजह से आपने गवा दी दूसरी एक वजह क्या है सहरी पे या तहजद पे ना उठने की वो ये है कि हम इसकी फजीलत से वाकिफ़ नहीं है वी आर नॉट अवेयर तहजद की फजीलतें क्या है हदीसें पढ़ी हैं ढेर सारी हदीसें हैं गुनाहों की माफ़ी हो जाती है दुआएं कबूल होती है बहुत फ़ायदे आपको हदीसों में मिलेंगे और आप पढ़ते जाओगे ना तो आपका एन्धुजियाजम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा कि इंशाल्लाह शाह मैं आज रात को तहज्जुद के लिए उठूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा आदत बनती जाएगी आपकी आदत बनती जाएगी शौक़ आना चाहिए शौक़ लेकिन शौक़ आने के बावजूद भी आप सुस्ती कर सकते हो शहरी के वक्त तहज्जुद के वक्त उठ कर तहजद पढ़ने से पता है क्यों वही लेट नाइट और जानते हो लेट नाइट की और वजह क्या है इंटरनेट एंटरटेनमेंट फ्रेंड सर्कल तीन खास वजह है अल्लाह के रसूल वसल्लम की आदत शरीफा गुड हैबिट्स इनमें से एक आदत यह थी कि ईशा की नमाज के बाद ये बातचीत करना पसंद नहीं करते थे अलबत्त कोई इंपॉर्टेंट मशवरा हो तो ईशा के बाद बात करते थे वरना उठकर अपने घर चले जाते थे आज तो 12 बजे सोना लोग इवनिंग कहते हैं रात को ग्यारह बजे मैं आज शाम को आपके घर आ रहा हूँ निसार भाई कितने बजे छः बजे ना ना दस बजे शाम का है तो रात है सोने का वक्त है भाई बम्बई जैसे शहरों में और आजकल तो गाँवों में भी दस ग्यारह बजे भी शाम कही जाती है यानी सोते सोते रात को बारह बज जाते शाम बारह बज गए रात को सोते सोते अब बारह बजे आप सोने जाएंगे फिर आप देखेंगे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई अपडेट है कि नहीं है फिर आपको कुछ याद आ गया आपने फिर किसी को मैसेज किया फिर उसका जवाब आया तो एक बज जाते हैं फिर आपको थोड़ी सी भूख लग गई अभी दस बजे तो डिनर किया था फिर उठ के आप किचन में गए कोई डब्बा देखा वेफर चने कुछ है आपने फिर खाए फिर आप सोने की कोशिश करोगे तो सोते सोते डेढ़ दो बज जाते हैं अंधेरे में अबा देखिए नहीं तो आप लाइट चालू नहीं करते आप ऐसे ही मोबाइल पर व्हाट्सएप इंटरनेट फेसबुक चेक करते हो और अंधेरे में आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गेडजेट्स को आप चेक करोगे ना आपकी आंखें और थकेगी फिर क्या होगा तीन घंटे में क्या नींद आएगी तीन घंटे में तो फजर की अजान हो जाती है पाँच सवा को शहरी तो छूट गई फजर भी मुश्किल हो जाती है लेट नाइट इज अ बैड हैबिट उल्लू जागते हैं रात को तो हम जो है उल्लू बन गए हैं अगर अब्बा ने ज़बरदस्ती से उठाकर फजर पढ़ाई उसके बाद हम सोते हैं तो ग्यारह बज जाते हैं उल्लू की तरफ कभी कभी मैं फेसबुक पे जाता हूँ देखने के लिए फेसबुक के ऊपर कहीं एक सिग्नल होता है ग्रीन लाइट्स आती है कौन कौन ऑनलाइन है मालूम पड़ता है कि बच्चे साढ़े बारह एक बजे भी ऑनलाइन पे रहते हैं एक दफ़ा मैं स्पेशली उठा देखने के लिए कि मेरे रीडर्स में कौन कौन है ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन पे तो मालूम यह हुआ कि रातों को इस तरह से जागना इसकी बदौलत आप एक बड़ी अच्छी आदत और बड़ी अच्छे मौके से महरूम हो जाते हैं बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टडीज लेट नाइट करते हैं तो मैं क्या कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए अगर आपकी एग्जाम्स हैं या आप मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कोई इंपॉर्टेंट साल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आप अगर रातों को डेट सोते हैं तो कम से कम वजू करके सोना भी सुन है मेडिकली उसके एडवांटेजेस होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रातों को वज़ू करके सो जाए आप अगर वज़ू करके सोते हैं रात को तो एज़ इट इज़ ठंडा पानी मारते मुंह पे तो थोड़ा फ्रेशनेस तो आ ही जाता है अब सो जाइए चार पाँच घंटे में एक सर्कल नींद की पूरी हो जाएगी उठिए तजुद पढ़िए कुछ होमवर्क करना है स्टडीज़ करना वो भी करिए कुरान भी पढ़ सकते हैं आप और उसके बाद फजर की अजान हो जाए फ़जर पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम करो देखिए आप दिन भर आप ताज़गी महसूस करोगे और गुनाह तो माफ़ होते ही हैं उस वक्त तो ये आदत है जो हमारी सोसाइटी की लगी हुई है मोबाइल्स की इंटरनेट्स की इससे आपको बचते रहना पड़ेगा वरना आपके अंदर से ये आदतें चली जाएगी तो वाली जैसे कि मैंने कहा साहबा कि राम तहजुद के बड़े रेगुलर थे इबन उमर रदी अल्लाह ये साहबी है एक दफ़ा इनको एक डरावना ख्वाब आया और शायद आप लोगों को भी कभी कभी डरावने ख्वाब आते हो फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं और अपना ख्वाब बयान करते हैं या मैंने आज ऐसे डरावना ख्वाब देखा अल्लाह के रसूल सलम कहते हैं कि इबन उमर तुम तो बहुत अच्छे नेक आदमी हो एक काम करो तुम तहजद पढ़ा करो तहजद पढ़ा करो इबन उमर ने उस दिन के बाद तहजद पढ़नी शुरू की रावी कहते हैं कि जिंदगी भर इब्न उमर ने कभी भी तहजद नहीं छोड़ी इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की थी अब ये हदीस तो हम भी सुनते हैं कुरान में हम भी पढ़ते हैं जैसे कि आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि शहरी के वक्त यानी तहजद के वक्त अस्तगफार करना क्या हमारे दिल भी इसका इम्पेक्ट लेते हैं मैंने इब्ने उमर का एग्जाम्पल दिया आपके सामने इन्होंने तहज्द एक नसीहत आने के बाद कभी नहीं छोड़ी हम बार बार सुनते रहेंगे बार बार पढ़ते रहेंगे अगर हमारा दिल इसके तरफ माइल नहीं होता हमारा दिल अगर पत्थर जैसा हो जाता है तो तहज तो क्या अस्तफार की तोफ़ी नसीब नहीं होंगे हमें और जब इंसान के दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए गुनाहों का एहसास करना किसी पर जुल्म कर देता है माँ बाप के साथ बदतमीजी कर लेता है लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा हो गया और कुरान कहता है दिल दिल पत्थर जैसे होते बास दिल पत्थर जैसे जैसे होते होते हैं हैं और आपको पता है लोखंड भी होता है मजबूत है कि नहीं लोखंड से तलवार बनती है लोखंड से इमारत खड़ी रह जाती है बड़ी बड़ी लेकिन अल्लाह ने दिलों को पत्थर जैसा कहा लोखंड जैसा नहीं कहा इसलिए कि एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद लोखंड भी पिघल जाता है लेकिन इंसान का दिल अगर पत्थर जैसा हो गया तो पिघलना मुश्किल है टूट जाता है पिघलता नहीं है इसलिए अल्लाह ने कहा कि बास दिल पत्थर जैसे हो जाते, तो जाते हैं ना दोस्तों भाइयों बहनों बच्चों स्टूडेंट्स व्यूअर्स अगर दिल तुम्हारा पत्थर जैसा हो गया तो तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी नहीं होगी तुम अपने गुनाह पे पछताओगे नहीं तुम तोबा करोगे नहीं नतीजा क्या होगा कि तुम इस खुश फहमी में रहोगे हम तो मुसलमान हैं ईद के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं रमज़ान में रोज़े रखते हैं इतर लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं ईदी लेते हैं सेवैयाँ खाते हैं लेकिन आपको तोहबा नसीब नहीं होती है उसकी फिक्र नहीं करते हैं इस उम्र में तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह जो ये मेरा ऑडियंस है जो मेरा क्लास है इस्पेली दीन फॉर टीन्स आज आज कर ले हम लोग इन शारी क्वालिटीज़ जो हमने देखी असाबेदीन असादकीन वलानीन वलमनफिक वलमस्तफ़रीन बिल ये पाँच क्वालिटी के ऊपर इन शाह हम जमे रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह तबारक वाल हमें इन क्वालिटी का आदि बना रहा वो तमाम सिफतें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो तू मोमिनों में देखना चाहता है वो हमारे अंदर तो ला दे इस दुआ के साथ यह सबक हमारा पूरा होता है जजाकल्ला व खैरन अल्लामक वरह वबरकता हूँ I look, I look, I look, I see. I see you.